माह मुकद्दस आ गया, रमजान बाजारों में सस्ता आटा न आया। शहरी मायूस, आटा लाए हैं, लोड कर आए और ट्रक जाने दे। मिल मालिकान, ट्रक यहीं खड़ा करें, आटा बेचें और जाएं। जिले इंतजामिया का जवाब, महकमा फूड और जिले इंतजामिया के झगड़े में अवाम घर चक्कर बन गए। अवाम के लिए रिलीफ की तैयारियां, कल से 30 मुकामात पर रमजान बाजार फ़ाल, 12 मॉडल बाजार भी शामिल। वजीर आला की चीनी सस्ते दामों फरोख करने की हिदायत, मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम, सारिफीन की SOPs के तहत एंट्री होगी। लाहौरिये मीठे को तरस गए, ठोकर न्याज बेग, शामनगर, इस्लामपुरा, गुशने रावी में सस्ती चीनी गायब। बागमापुरा, दारोगा वाला, इकबाल टाउन वाले परेशान, 7 डीलर्स को 50,000 बैग फराहम कर दिए। डीसी लाहौर का दावा, हुकूमत 85 रुपए किलो का दावा करते हैं, सस्ती चीनी मिलती कहां से है, परचून फरोशों का सवाल। पंजाब हुकूमत के पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे ना रहे, गंदम की खरीदारी पर मजीद 170 अरब रुपए का कर्ज लेने का फैसला। पंजाब भर में गंदम की खरीदारी के लिए तैयारियां जारी, पंजाब हुकूमत से पहले भी गंदम की मद में वाजिबुल अदा रकम 390 अरब रुपए है। सत्तर साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए आसानियां पैदा करने का फैसला, 70 साल उम्र के शहरियों को वैक्सीन घर जाकर लगाई जा रही है। वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद ने शहरियों को मामूलात के लिए 1033 पर रابطہ करने की हिदायत कर दी। उधर पंजाब भर की जेलों में कैदियों, जेल मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज के लिए बंद, ट्रांसपोर्ट इतवार की रात 12 बजे तक बंद रहेगी। दीगर सूबों से ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को सफर की इजाजत होगी। सूबे के अंदर ट्रांसपोर्टर SOPs की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ, 100% सवारियों के साथ ट्रांसपोर्ट रवा दवा। जहांगीर तरीन ने इंक्वायरी टीम की जानबदारी पर सवाल उठा दिया, बोले इंक्वायरी करने वाली टीम जानबदार है, गैर जानबदार इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टेलीफोन पर काम ना किया जाए। जहांगीर तरीन की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, सूबाई वजीर ज़राअत नुमान लंगरियाल बोले, हम यहां जहांगीर तरीन की हिमायत करने आए हैं, हम खुलूस नियत से पार्टी के साथ हैं। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन के खिलाफ केस का मामला, PTI हम ख्याल अराकीन असम्बली का वजीर आजम से मुलाकात का फैसला। अराकीन असम्बली वजीर आजम को 8 दरख्वास्त इरसाल करेंगे, 30 अराकीन कौमी असम्बली वुजरा मुशीरों के दस्तखत से दरख्वास्त तैयार। लाहौर की हुकूमती अराकीन असम्बली के लिए नए माली साल में 15 अरब का पैकेज तैयार, हर हुकूमती अराकीन को नए साल 1 अरब 30 करोड़ देने की तजवीज। MPA और MNA के हलकों के लिए एक ही पैकेज होगा, निशानदही पर स्कीमों का मजमुई तखमीना 15 अरब रुपए लगाया गया है। TND बोर्ड ने तफसीलात ऐवाने वजीर आला को इरसाल कर दी। हाउसिंग स्कीमों की मॉनिटरिंग पंजाब कमीशन ड्राई हाउसिंग स्कीम्स करेगा, पंजाब कमीशन रेगुलराइजेशन हाउसिंग स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2021 का गजट नोटिफिकेशन जारी, सिटी 42 ने गजट नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत के हाउसिंग स्कीम्स ऑर्डिनेंस का इतलाक सूबे भर में होगा। लाहौर समेत सूबे भर में हजारों गैर कानूनी स्कीमें कमीशन के निशाने पर आएंगी। LDA में गैर कानूनी स्कीमों को रेगुलराइज करने का अमल शुरू, कमीशन बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की सरबराही में कमीशन काम करेगा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के मालिकान को सजा और जुर्माने होंगे, मासूम शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान की गुफ्तगू, बोले अब तक ताकतवर डेवलपर्स के खिलाफ 250 FIR का इंदराज किया जा चुका है। रिंग रोड की हदूद में तजावुजात, भारी जुर्मानों की फहरिस्त सामने आ गई। रिंग रोड अथॉरिटी को 12 इकसाम की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने का इख्तियार मिल गया। गैर कानूनी आरजी स्ट्रक्चर कायम करने पर 5,000 जुर्माना होगा, रेड़ी और गदाघरों को सामान फरोख करने पर 1,000 जुर्माना होगा।
साइबर माफिया साबिक कप्तान सलमान बट के पीछे पड़ गया। साबिक पाकिस्तानी कप्तान को जाली तस्वीर के जरिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश। $900 अकाउंट में ट्रांसफर करो वरना बदनाम कर देंगे, ब्लैकमेलर की धमकी। सलमान बट ने FIA साइबर क्राइम सर्कल को तफसीलात से आगाह कर दिया। वॉल्टन एयरपोर्ट को तिजारती मरकज में तब्दील करने का मामला, दरख्त काट रहे हैं ना कोई मंसूबा शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने वॉल्टन एयरपोर्ट पर तिजारती मरकज शुरू करने की तरदीद कर दी। हाई कोर्ट ने वॉल्टन एयरपोर्ट पर तिजारती मरकज बनाने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटाई। कोर्ट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात का दिन, हमजा शहबाज की वालिद से मुलाकात, तबीयत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जहांगीर तरीन बहरान का ताल्लुक उस्मान बुज़दार की तब्दीली से हो सकता है। मियां नवाज शरीफ का जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं होगा। मरियम नवाज की तबीयत में बेहतरी आई है, कराची का दौरा भी करेंगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बल्दियाती इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। कोई भूखा ना सोए, कमिश्नर लाहौर इन एक्शन। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 4 मोबाइल किचन वैन तैयार कर ली। मोहम्मद उस्मान कहते हैं मुस्तहकीन को 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज का फैसल टाउन नगर खाना का दौरा, मुस्तहिक अफराद के लिए खाने पीने का इंतजाम देखा। अवाम के पैसे से लंगर खाने ना खोलो, मुल्क चलाना है तो कारखाने चलाने होंगे, महंगाई की चिताई खातून ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। मौसम गर्मा के लिए ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील, 15 अप्रैल से अवाम एक्सप्रेस कैंट स्टेशन पर रुका करेगी, जाफर एक्सप्रेस भी उसी स्टेशन से मुसाफिर उठाएगी। और बांग्लादेश में T20 सीरीज की फातह, कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की वतन वापसी। छह मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को धूल चटाई, लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया।